हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ एप्टेविस। और आज हम लोग बायो का फिफ्थ सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में या खून का थक्का जमाने में कौन सा जो विटामिन है जो हमारी सहायता करता है, तो दैट इज विटामिन के। विटामिन की अगर बात किया जाए तो जो विटामिन थे उनकी खोज की थी जी फंक ने। और हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है जो पानी में घुलनशील होते हैं। अगर फैट सॉल्युबल की बात की जाए तो जितने भी विटामिन हैं लाइक ए डी ई और के, ये फैट सॉल्युबल है। और विटामिन बी और सी ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिनेस्ट बोन। अगर थिनेस्ट बोन की बात की जाए तो थिनेस्ट बोन का मतलब है कि सबसे पतली हड्डी हमारी कौन सी है। तो जब कभी भी हम थिनेस्ट बोन की बात करें तो टीबिया, हमारे जो लोअर लिम्स हैं, घुटने से नीचे दो हड्डियां होती हैं, एक टीबिया एंड फीबिया। तो जो टीबिया हड्डी है ये हमारी सबसे पतली हड्डी होती है पूरे शरीर की। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो कान की होती है, स्टेप्स। और अगर सबसे पतली हड्डी पूछी जाए तो दैट इज टीबिया। मेन पार्ट ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि हमारे दांत और हड्डियां किसकी किस सब्सटेंस के बने होते हैं ज्यादातर, तो दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और जितने भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उन सभी में भी ज्यादातर आपको कैल्शियम फॉस्फेट ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो इंसानों के अंदर हमारे पास 42 क्रोमोसोम्स होते हैं जी। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 42। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स, नॉट 42, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम 23 का पेयर कहते हैं। 23 के पेयर में 22 हमारे पास ऑटोसोम होते हैं और एक हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हम इस दुनिया को दे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अवर ऑफस्प्रिंग्स, बच्चों के फॉर्म में। और 22 के जो ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारे साथ हमारी डेथ के साथ ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिजिएस्ट ऑर्गन, यानी हमारे शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है। तो हार्ट जो है ये हमारे शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन रहता है, जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू, हमारे शरीर में सबसे तेज ग्रो करने वाले टिश्यू कौन है, दैट इज हेयर। जो हमारे बाल हैं ये हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिश्यू दैट डज नॉट नीड ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऐसे कौन से टिश्यू हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो याद रखिए कॉर्निया, जो हमने कल भी किया था, व्हाइट पार्ट ऑफ आई एंड नेल्स, जितने भी हमारे नाखून हैं इनको कभी भी ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली ज्वाइंटलेस बोन प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे गले के अंदर बिना ज्वाइंट के कौन सी बोन जो है प्रेजेंट होती है, तो दैट इज हायोइड बोन। उस बोन का नाम क्या है जी, दैट इज हायोइड बोन। ये हमारे शरीर में प्रेजेंट रहती है और ये ज्वाइंटलेस बोन होती है जो कि थ्रोट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथ हमारा कौन सा है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के जितना भी फंक्शनिंग है, हार्मोन्स है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एमरजेंसी ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होता है उसे हम एमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। देखिए जो एड्रीनल ग्लैंड है इसे हम F3 ग्लैंड भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट और फ्राइट। देखिए अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए तो या तो आप फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे या आप फ्राइट हो जाओगे, मतलब तीन सिचुएशन है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशंस के कारण ही हम लोग जो है रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो 1.5 मीटर जो है ये टोटल लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की हमारी बॉडी के अंदर। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ की बात की जाए तो दिस इज 6.25 मीटर, राइट। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी थूक ग्रंथि हमारी कौन सी है, तो अगर हम सबसे बड़ी थूक ग्रंथि की बात करें तो पैरोटिड ग्रंथि
पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्लैंड जो है, ये सबसे बड़ी हमारे पास थूक ग्रंथि होती है। हाईएस्ट ओपन सेंसिटिव पार्ट ऑफ मेल, तो पेनिस हेड जो है ये हमारे पास सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है मेल में, और क्लाइटोरिस जो है ये फीमेल के अंदर जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है। पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो नवजात शिशु है उसकी जो हार्ट पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, दैट इज 140 पर मिनट, एक मिनट में 140 बार जो है उसकी पल्स रेट चलती है। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व, अगर सबसे छोटी क्रेनियल नर्व पूछा जाए आपसे तो दैट इज ट्रैकियल जो है, ये हमारे पास सबसे छोटी क्रेनियल नर्व होती है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट, देखिए जो भी चीजें हम देखते हैं वो हमारे रेटिना के ऊपर जाके उसकी इमेज बनती है, और ये इमेज इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती है। जो चीजें भी हम देखते हैं जो हमारी आंखों को दिखती हैं वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ उल्टी उल्टी दिखाई देती हैं, बट ये हमारा ब्रेन है जिसको कोऑर्डिनेट करके सीधा हमें दिखाता है। फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का फादर एंटेस वेलेसिस को माना जाता है, और फादर ऑफ सर्कुलेशन दैट इज विलियम हार्वी। तो ये था आज का सेशन हमारा बायो का, होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें, और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविस्ट। जय हिंद जय भारत।